ग्वालियर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भगवान कार्तिकेय के मंदिर में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहा। बता दें कि शहर के जीवांजीगंज क्षेत्र में मौजूद भगवान कार्तिकेय का मंदिर देश का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है, जहां इस मंदिर के पट साल में केवल एक दिन के लिए कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर खोले जाते हैं। वहीं इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान कार्तिकेय की 400 वर्ष पुरानी दिव्य प्रतिमा स्थापित है। बताया जाता है कि देश में भगवान कार्तिकेय का ऐसा मंदिर कहीं और स्थित नहीं है। कार्तिक पूर्णिमा पर साल में केवल एक बार खुलने वाले इस मंदिर में दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। वहीं इस बार भी कार्तिक पूर्णिमा पर कई श्रद्धालु दर्शन के लिए भगवान कार्तिकेय के मंदिर पहुंचे। वहीं श्रद्धालु को भीड़ को देखते हुए मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में थाना प्रभारी, सब इंस्पेक्टर समेत कई 25 पुलिसकर्मी मौजूद रहे। ग्वालियर से संवाददाता योगेश बिसारिया की विशेष रिपोर्ट। तभी हम खड़े हुए जीवाजीगंज में, यहाँ पर भगवान कार्तिक का एक मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश में इकलौता मंदिर है। तो मैं आपको बता दूं मंदिर के अंदर आ चुका हूं, और चलिए मैं आपको सीधे कार्तिक भगवान के पहले दर्शन कराऊंगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पंडित जी से पूछूंगा कि आखिर साल में एक बार ही भगवान कार्तिक का मंदिर क्यों खुलता है यहाँ पर। तो मेरे साथ आप देख सकते हैं, भगवान कार्तिक का मंदिर जो जीवाजीगंज में स्थित है और पूरे मध्य प्रदेश में ही इकलौता एक मंदिर है, ये आज के दिन क्यों खुलता है, इसका पूरा जो इतिहास है और जो कथा है वो यहाँ के पंडित से पूछूंगा मैं कि क्या कारण है। या पंडित से मिलता हूँ मैं। ये मंदिर कितने वर्ष पुराना है? अब भैया उधर देखो, हम बूढ़े हो गए। उधर देखो, हमने तो ऐसा ही देखा है। ये अब ये नहीं बता सकते, हमारे तो पुरखा से पुराना यही है। कितना वर्ष हो गया? 714 साल पुराना हो गया। 400। अच्छा, क्या कारण है कि भगवान कार्तिकेय का मंदिर साल में एक बार खुलता है? क्या कारण है जो भगवान कार्तिकेय का मंदिर साल में एक बार खुलता है? कार्तिक भगवान को शंकर से उन्हें पार्वती जी से कही, उन्हें कहा कि तुम देश की परिक्रमा लगा के आई। शंकर पार्वती जी ने कहा कि तुम देश की परिक्रमा लगा के आओ। जब तक वो तो उन्हें घमंता कार्तिक भगवान को मोर पे थे तो वो मोर पे निकल लिए, और सब वो गणेश जी तो चूहे पे थे, तो उन्हें कहा मैं क्या करूं। उन्हें बुद्धि का इस्तेमाल किया और अपने माता पिता को बीच में बिठा के परिक्रमा लगा ली, तो वो तो बुद्धि के दाता हो गए। तो उन्हें कहा जे तो बुद्धि श्रेष्ठ है, उनकी शादी ब्याह भी हो गए, सब हो गए, अब नाराज जी मिले कार्तिक भगवान को रस्ते में। तो ये बताएं कि कार्तिक भगवान का जो मंदिर है, क्या कारण साल में एक बार ही जो खुलता है, और ये मंदिर कितने वर्ष पुराना है आपका मंदिर? 450 वर्ष पुराना। ये है कि हमारी जो पीढ़ी है, मतलब मेरी जो पीढ़ी है, जो मेरा भतीजा है, मैं सातवीं पीढ़ी में आता हूँ, ये लोग आठवीं पीढ़ी में आते हैं। जब से कार्तिक स्वामी महाराज ने आशीर्वाद दिया है, हम इनके दर्शन का पट खोलते हैं और श्रृंगार करते हैं और पब्लिक आती है, मनोकामना पूर्ण होती है। ये साधु संतों का एक भूमि जिसको अपन मानते हैं वह कहिए, ये अंदर से प्रकट हुई तो साधु संतों ने इसकी स्थापना यहाँ करा दी। उस पुराने समय में हमारे कोई पूर्वज यहाँ आए होंगे, जब से वो लोग यहाँ रह रहे हैं, अब चलती चली पीढ़ी अब हम यहाँ। प्रशासन को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? चार चौबंद व्यवस्था है, चारों तरफ से मार्ग को अवरुद्ध किया गया है, जो वाहनों को, बाकी के पैदल लोगों को लाइन लगा के मंदिर में अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित है, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्ते। भगवान कार्तिकेय दर्शन करने आए? हाँ, दर्शन करने आए। क्यों मनाए जाते हैं, आज क्यों होते हैं दर्शन? आज पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा। और इनमें आगे चलते चलो आप। कार्तिक पूर्णिमा है, आज कार्तिक नहाती है वो सब, सभी लोग है ना दर्शन। एक बार दर्शन मैम बताया था, आज भगवान कार्तिक दर्शन करने आए हो आप? हाँ जी हाँ। तो साल में एक बार दर्शन किए? हाँ जी, एक बार होते हैं। तो कारण बताएं? वो कार्तिकेय जी का वही था वरदान कि वो साल में एक बार दर्शन देते। आपको मालूम है कि साल में एक बार दर्शन होते हैं? नहीं मालूम आपको? आपको भी नहीं मालूम? तो लोगों को नहीं मालूम, देखो पूछते हैं किसी किसी को तो मालूम होगा भगवान कार्तिक के दर्शन क्यों होते हैं, साल में एक बार होते हैं। नहीं मालूम आपको? आपको मालूम है? किसी को नहीं मालूम साल में कार्तिक भगवान दर्शन क्यों होते हैं एक बार? नहीं मालूम? आपको मालूम साल में कार्तिक भगवान दर्शन क्यों होते हैं? बताएं क्यों कारण? साल में एक बार क्यों? पृथ्वी का चक्कर लगा के आए हैं?
पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा के आए, चक्कर इसलिए कर दे दर्शन होते हैं। हाँ। एक बार दर्शन इसलिए होते हैं, इतना तो पता है कि जैसे गणेश जी और शंकर जी ने कही थी, जो मेरी परिक्रमा सबसे पहले लगाएगा उनको सबसे ऊंचा पद दिया जाएगा। तो कार्तिक गणेश जी भगवान थे, उन्होंने तो ना वो थोड़े दिमाग के तेज थे, तो उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा लगा ली, ये पूरी इंडिया की परिक्रमा लगाने चले गए, ब्रह्मांड की, सॉरी सॉरी ब्रह्मांड की चले गए लगाने। दिया जाता है साल में भगवान के एक ही बार दर्शन क्यों होते हैं और भगवान का क्यों नहीं पता नहीं, साल में एक बार ही खुलता है तो वहाँ जाते दर्शन करने। चलिए तो ये थे मेरे साथ, मेरे कुछ श्रद्धालु है, दर्शार्थी है, नहीं जानकारी है। मैं योगेश बिसारिया, एमकेएन नेशनल न्यूज चैनल ग्वालियर।